भारत के सबसे बड़े खनन और औद्योगिक विस्फोटक निर्माताओं में से एक SBL एनर्जी लिमिटेड ने अपनी TNT विनिर्माण इकाई TNT मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, जिसके संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है कर्नल शैलेंद्र पाठक द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान। TNT संयंत्र महाराष्ट्र में नागपुर के येनवेरा में कंपनी की 225 एकड़ की विनिर्माण फैसिलिटी में लगाई गई है। ये भारत में निजी क्षेत्र में इस प्रकार की दूसरी पहल है। इस अत्याधुनिक TNT संयंत्र की सालाना क्षमता 3000 टन प्रति वर्ष है। यह संयंत्र विशेष रूप से निर्यात के लिए है और इसमें MPL एनर्जी को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में अपने निर्यात को 3 गुना करने में मदद मिलेगी। SBL एनर्जी का लक्ष्य आयात निर्भरता में कमी लाने, सप्लाई सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, लागत दक्षता लाने और रक्षा विनिर्माण यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए TNT के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन और रक्षा जैसे उद्योगों में वृद्धि की वजह से इस संयंत्र से SBL एनर्जी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। TNT प्लांट की शुरुआत को लेकर SBL एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन संजय चौधरी ने कहा कि ठोस विनिर्माण क्षमता के साथ हमारा TNT संयंत्र बढ़ते औद्योगिकीकरण, निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खनन गतिविधियों के कारण विस्फोटकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये संयंत्र स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के सरकार के मिशन के अनुरूप भारत के रक्षा अवसंरचना यानी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करे, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, देश की कुल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने को लेकर हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। यह प्लांट हमारे सिविल एप्लीकेशन के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी मददगार साबित होता है। इससे औद्योगिक एवं खनन विस्फोटक विनिर्माण के क्षेत्र में हमारी स्थिति और मजबूत होगी तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग की संभावनाएं बढ़ेगी। एक अहम रक्षा सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता बनकर देश के भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। हमारी योजना भविष्य में समान क्षमता का एक और TNT संयंत्र लगाने का है। आज हमारा TNT प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है डॉक्टर अजय कुमार एक्स डिफेंस सेक्रेटरी के करकमलों द्वारा। बहुत ही शीघ्र TNT का उत्पादन शुरू होगा, जिसके लिए हमें यूरोप से, अमेरिका से ऑलरेडी लोगों ने अप्रोच किया है ऑर्डर्स के लिए। ये विदेश में सप्लाई के लिए नहीं बल्कि अपने घरेलू उत्पादन में भी इस्तेमाल होगा। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो TNT के प्रोडक्शन के साथ, जिसका इस्तेमाल हम लोग आर्टिलरी एमिनेशन, स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर एमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और हमारी जो शुरुआत है वो यहीं पे नहीं ख़त्म होने वाली है। हम लोग अभी आने वाले समय में अपनी उत्पादन क्षमता 3000 टन से बढ़ा के 6000 से 8000 9000 तक जाएंगे। ये एक शुरुआत है, आप भी आगे देखिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। और इस प्लांट से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा और इस इलाके में, नागपुर के उस इलाके में जो डेवलपमेंट होगा, ये एक प्लांट उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान देगा। भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 3 सितंबर 2024 को TNT प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर SBL एनर्जी लिमिटेड के CEO आलोक चौधरी, प्रेसिडेंट दिव्यांश चौधरी और डिफेंस वर्टिकल के प्रेसिडेंट कर्नल शैलेंद्र पाठक सहित कंपनी के लीडरशिप टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।